Hello childrens, how are you? I hope you all are good. Stay home and stay safe. चलिए कल हमने ये मैं क्लास फर्स्ट के लिए बता रही हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए कल हमने वोवल्स और कंसोनेंट पढ़े थे कितने वोवल्स होते हैं और कितने कंसोनेंट होते हैं तो आज भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और उसके बारे में जानेंगे। कल हमने देखा था कि 5 वोवल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं। तो वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू और बाकी जो रेस्ट जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड तक ए बी सी डी में वो सभी कंसोनेंट में आते हैं। तो ये तो ही बेसिक नॉलेज। उसके बाद में अब हम आज यहाँ पर सीखेंगे कि वोवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसी वर्ड में कौन सा वोवल है उसके बारे में हम जानेंगे। फाइंड आउट द वोवल फ्रॉम द वर्ड्स, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि फाइंड आउट द वोवल्स, वोवल्स को ढूंढिए फ्रॉम द वर्ड्स, शब्दों के अंदर जो जैसे यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है एक उस स्पेलिंग के अंदर एक वोवल लिखा हुआ है उस वोवल को आपको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। यहाँ पर ये देखिए ये मैंने आपके लिए लिखे हुए पहले से ही वर्ड्स, वर्ड्स में बॉल और यहाँ पर वोवल लिखा हुआ है इसके नीचे इस वर्ड का वोवल लिखा हुआ है। वर्ड्स में क्या है? बी ए डबल एल बॉल। तो वोवल कौन सा है इसमें आइडेंटिफाई करना, जैसे वोवल्स कौन सा था? ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स थे। इसमें कौन क्या है? ए, ए वोवल है इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख देंगे ई डबल जी एग। सेकंड में देखिए ई डबल जी एग। अब बताइए इसमें वोवल कौन सा है? ए ई आई ओ यू, ए ई, ए नहीं है ई है इसमें तो ई वोवल है इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। थर्ड में देखिए बी डबल ओ के, तो वोवल कौन से हो गए इसमें? दो बार ओ ओ आया है तो ये डबल ओ यहाँ पे हम लिख देंगे। ये देखिए क्योंकि ये दोनों वोवल है। फोर में देखिए आई एन एस ई सी टी इंसेक्ट। अब इसमें देखिए आई कंसोनेंट है, एन भी कंसोनेंट है, एस भी कंसोनेंट है, ई ई वोवल है और सी सी भी कंसोनेंट है और टी भी कंसोनेंट है इसलिए हम ई को यहाँ पर लिख देंगे, ये वोवल है। फाइव वाले में देखिए यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए आप यू वोवल है तो हम यहाँ लिख देंगे इसको। एम कंसोनेंट है इसलिए नहीं लिखेंगे, बी कंसोनेंट है इसलिए नहीं लिखेंगे, आर कंसोनेंट है इसलिए नहीं लिखेंगे, ई वोवल है इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए डबल एल है ये कंसोनेंट है हम नहीं लिखेंगे, ए फिर से ए आ गया ए हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये वोवल है। चलिए ये तो हो गए वोवल्स की बात। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कंसोनेंट। फाइंड आउट द कंसोनेंट फ्रॉम दीज वर्ड्स, फाइंड आउट द कंसोनेंट, इसके अंदर आपको कंसोनेंट को ढूंढना है फ्रॉम दीज इन शब्दों में से, वर्ड्स यानी शब्द, दीज यानी इन शब्दों में से। ये देखिए ये शब्द जो दिए हैं वर्ड्स, वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर कंसोनेंट लिखे हुए हैं, कंसोनेंट के नीचे आपको इन वर्ड्स में से जो कंसोनेंट है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। ये देखिए वर्ड्स, पहला वर्ड क्या है? बी ए बी वाई। अब देखिए बी क्या है? बी कंसोनेंट है तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको, ए वोवल है इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बी कंसोनेंट है तो वापस बी को हम यहाँ पर लिख देंगे कोमा लगा के वापस से हम बी लिख देंगे, वाई वाई कंसोनेंट है इसलिए वापस से कोमा लगा के वाई लिख देंगे। चलिए सेकंड पे आइए ए डबल पी एल ई एप्पल, ए क्या है? ए वोवल है इसलिए हम इसको ए को यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें तो कंसोनेंट लिखना है। डबल पी
ये दोनों कंसोनेंट है इसलिए हम इन दोनों को यहाँ पर लिख देंगे, एक पी लिख देंगे फिर कॉमा लगा के, फिर एक पी लिख देंगे फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद देखिए एल है, एल कंसोनेंट है तो एल को भी यहाँ लिख देंगे। ई ई वोवल है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। थर्ड वाले में देखिए वी ए एस ई वेस, वास क्या होता है जो फूलदान होता है जिसके अंदर हम फ्लावर वगैरह रखते हैं। वी वी कंसोनेंट है इसलिए उसको यहाँ पर लिख देंगे। ए वोवल है इसलिए नहीं लिखेंगे। एस कंसोनेंट है, ई वोवल है इसलिए ई को नहीं लिखेंगे। टेबल टी ए बी एल ई, टेबल में टी देखिए, अब आप टी कंसोनेंट है इसलिए टी को यहाँ पर लिख दिया है। ए वोवल है इसलिए हमने नहीं लिखा। बी कंसोनेंट है इसलिए बी को भी यहाँ पे लिख दिया कोमा लगा के। देखिए एल को भी हमने लिख दिया क्योंकि एल भी कंसोनेंट है। ई ई नहीं लिखा क्योंकि ई वोवल है। फाइव वाले में देखिए बी ओ वाई बॉय, बॉय में बी को लिखा है क्योंकि बी कंसोनेंट है। ओ को नहीं लिखा, ओ नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि ओ वोवल है। वाई को लिखेंगे क्योंकि वाई कंसोनेंट है। तो यही आज का आपका होमवर्क है, ये दोनों टेबल आपको बनानी है इसी तरीके से, पहले वोवल्स का करना है फिर कंसोनेंट का करना है और इनको लर्न करना है, और एक दो वर्ड्स आपको भी लिख के देखने हैं कि आपको समझ में आता है या नहीं आता, वोवल और कंसोनेंट की आप पहचान कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, धन्यवाद।